फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं कुछ बहुत ही मजेदार पजल्स। हर पजल का आंसर आपको देना होगा 10 सेकंड्स में और अपना आंसर हमें कमेंट्स में भी जरूर बताएं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पजल नंबर 1, अगर प्यास लगे तो पी सकते हैं, भूख लगे तो खा सकते हैं, और अगर सर्दी लगे तो उसे जला भी सकते हैं, बोलो क्या है वो? तो दोस्तों, आंसर है नारियल, क्योंकि यही एक ऐसा फल है जिसे हम पी सकते हैं, खा भी सकते हैं और इसके अवशेषों को जला भी सकते हैं। पजल नंबर 2, वह कौन सी चीज है जिसका रंग काला है? वह उजाले में तो नजर आती है परंतु अंधेरे में दिखाई नहीं पड़ती, बोलो क्या है वो? आंसर है परछाई, क्योंकि परछाई हमें अंधेरे में नजर नहीं आती और हमें उजाले में ही दिखती है। पजल नंबर 3, सर्वेश के भाई के पिता के 4 बच्चे हैं, सुरेश, रमेश और गणेश, चौथे का नाम बताइए। चौथे का नाम सर्वेश ही है, क्योंकि सर्वेश के भाई के पिता सर्वेश के भी पिता हैं। आपने क्या आंसर सोचा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पजल नंबर 4, ऐसी क्या चीज है जो जागे रहने पर ऊपर रहती है लेकिन सो जाने पर गिर जाती है? आंसर है पलकें, क्योंकि हमारे जागे रहने पर यह ऊपर रहती हैं और जब हम सो जाते हैं तो ये गिर जाती हैं। पजल नंबर 5, इंग्लिश में ई के बाद क्या आता है? इस पहेली का आंसर कमेंट्स में जरूर लिखें। अगर आपका आंसर F है तो यह गलत है, क्योंकि इंग्लिश वर्ड में E के बाद N ही आता है और इंग्लिश अल्फाबेट्स में E के बाद F आता है। पजल नंबर 6, भारत और नेपाल में कितनी दूरी है? फ्रेंड्स, आपने इसका आंसर सोचा भी नहीं होगा। फ्रेंड्स, भारत और नेपाल में कोई दूरी ही नहीं है, क्योंकि जहां भारत की सीमा खत्म होती है वहीं से नेपाल की सीमा शुरू हो जाती है। पजल नंबर 7, एक आदमी 1947 में पैदा हुआ और 1950 में मर गया, लेकिन मरने के समय उसकी उम्र 30 साल थी, बताइए कैसे? दोस्तों, वह अस्पताल के कमरा नंबर 1947 में पैदा हुआ, न कि सन 1947 में, और वह सन 1950 में मर गया। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जानकारी चैनल पर अलग अलग तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल पर क्लिक करें।